बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। आज मैं आपको मेमनी बोटी कबाब बनाना बता रही हूँ। ये बेसिकली बाजरे के बोटी कबाब करके मेरी फैमिली में बहुत मशहूर है और मैं बचपन से ये खाती आई हूँ। लेकिन यहाँ मैं इसको बाजरे के बोटी कबाब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं इसमें बेसन का आटा यूज़ कर रही हूँ बाजरे की जगह, इसलिए इसको अब बस मैं मेमनी बोटी कबाब का नाम दे रही हूँ। ये मैं चिकन में बना रही हूँ जो कि मेरे पास 250 ग्राम्स चिकन है और बहुत छोटी छोटी मैंने इसकी बोटियाँ की हुई हैं। आप इसको बीफ में बना सकते हैं लेकिन सिर्फ अंडर कट का गोश्त यूज़ कीजिएगा जो कि जल्दी गल जाता है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून योगर्ट, ये सारा इसमें ऐड कर दूंगी मैं। साथ इसमें जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉल्ट टू टेस्ट है लेकिन मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। हल्दी है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून क्योंकि ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड किया है और ये मेरे पास एक्स्ट्रा हॉट रेड चिली पाउडर है इसलिए ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर ये मेरे पास रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमन एंड कोरिएंडर पाउडर है, ये बिल्कुल पाउडर नहीं है, क्रश्ड है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करके क्रश कर लें दोनों चीज़ों को मिक्स करके। और ये मेरे पास 1 टीस्पून शान का तिक्का सीख कबाब मसाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें, इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। साथ में इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हम क्यों ऐड करते हैं? अगर मीट में अंदर ऑयल ऐड किया जाए तो वो अंदर से मीट को जूसी रखता है, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मीट अंदर से जूसी रहेगा, गल भी जाएगा और जूसी भी रहेगा। ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं इसमें मिक्स करके इसको कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। ये तमाम चीज़ें अच्छे से चिकन में मिक्स कर दिए, अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी, या फिर आप ओवरनाइट करें तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी मैं शाम में ये इफ्तारी में बनाऊंगी तो मैं इसको अभी 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। ये 4-5 घंटे हो गए इसको मैरिनेट हुए हुए। अब मैं इसमें चॉप की हुई अनियन, स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, हरा धनिया ऐड कर दूंगी। साथ में 1 टेबल स्पून आटा ऐड कर रही हूँ जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और 2 टेबल स्पून बेसन, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस आटे की अच्छे से इस पर कोटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मैं ये बेसन और आटा डाल रही हूँ आप इसी तरह से बाजरे का आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा बेसन और डाल रही हूँ ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। और हम ऑयल को दरमियानी आंच पर गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अंदर तक पकनी है बोटियाँ। बहुत तेज़ आंच पर डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बोटियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये बैटर हमने बना लिया, अब हम ऑयल गरम करते हैं। ये हमने एक एक बोटी नहीं लेनी है, ये हमने 3-4 बोटियों को ऐसे लेके, इसमें 3-4 छोटी छोटी बोटियाँ हैं, ऐसे राउंड करके ऑयल में डालते जाना है। ताकि एक एक बाइट में 3-3, 4-4 बोटियाँ आएंगी।
मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे और हम उस वक्त तक इस पे चम्मच नहीं डालेंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। अगर हमने जल्दी जल्दी चम्मच चलाया तो इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। अगर आप लोग ये टिप्स का ख्याल रखें तो आपकी बहुत ज़बरदस्त ये बोटियाँ बनेंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। रोज़ाना एक नई वीडियो अपलोड हो रही है रमज़ान के लिहाज से, तो आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 5 से 7 मिनट हो गए, अब देखिए ये सेट हो गए, तो अब मैं इनको टर्न कर लूँगी। टर्न करके भी हम इसको 7 से 8 मिनट मीडियम हीट पे कुक करेंगे। ये देखिए अब इस पर अच्छा सा कलर आ गया और ये दोनों तरफ से कुक हो गई हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये मेमनी बोटी कबाब रेडी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।